7. जबरदस्त। तू कब ये जानेगी, तू कब ये मानेगी? अरे मानेंगी, जरूर मानेंगी कि इनके पास भी मीठी छुरी है। सिर्फ अपनी आँखों और अदाओं से ही नहीं, अपनी बातों से भी बिपाशा लोग को पानी पिला देती हैं। याद होगा कि फिल्म अजनबी की शूटिंग के वक्त करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली कह दिया। म्याऊ। इनफैक्ट करीना ने एक शो पर इनके देन बॉयफ्रेंड जॉन को एक्सप्रेशन लेस भी कह दिया। तब बिपाशा ने कहा कि करीना हैज टू मेनी एक्सप्रेशंस। भाई आग तो लगी थी बिपाशा के अंदर, मगर ये काली बिल्ली वाली बात एक्सप्रेशन नहीं, करीना का ओपिनियन था। ये थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट हो गई। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन बिल्लियों के बीच में अब एनिमिटी नहीं रही। दे हैव किस्ड एंड मेड अप। वैसे जॉन से ब्रेकअप होने के बाद इन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए, और जब जॉन ने ब्रेकअप के बारे में मीडिया में कुछ कहा तो बिपाशा ने धीरे से उन पर चिपका दी। What happens between two people is supposed to stay between the two when it's over. My breakup happened almost a year ago. Why are these stories coming out now? Is it a PR exercise for a film or over imaginative journalism? Kya katar chalai Bipasha ne John ke upar? Well, aur uske baad to inka dil aur dimag dono overtime karne lage, aur saath mein inki zuban bhi. Bipasha ko Ranbir ki film Rockstar ka promo bhi acha lagne laga, aur apne film Players ke co-stars bhi. Ek time tha jab अपने कोस्टार से आपके पंगे हेडलाइंस बनती थी। कटरीना के साथ फिल्म में आप दोनों की अलग रेस ही चल रही थी, और आज आप अपने कोस्टार्स को अपने दिल का हिस्सा दे रही है। वाह, सोनम जो पटर पटर की मशीन है, उन्हें आप एक वंडरफुल गर्ल बोलती है। ये चेंज ऑफ हार्ट है या चेंज ऑफ आर्ट, मतलब द आर्ट ऑफ सर्वाइवल इन बॉलीवुड, जो आपने सीख ली है, और इसी सीख से आपको मिलता है जबरदस्त मीठी छुरी पर 7।